सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सो आज हम लगाने वाले हैं अपने बाइक पे एक्सेसरीज और बहुत सारा काम होने वाला है। एंड आई नो गाइस, व्लॉग काफ़ी डिले हो गया हमारा ये वाला, क्योंकि अभी हम कॉलेज से डायरेक्ट कॉर्पोरेट लाइफ में गए हैं। नए रूटीन को उसमें आने में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, तो लाइक एकदम से शिफ्ट करना दोनों की जॉब्स और साथ में व्लॉग शूट करना, साथ में एडिट, और हम साथ में वर्कआउट भी कर रहे हैं बिकॉज हम भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें साथ में चल रही हैं पैरेलली, और हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना चाह रहे हैं। लाइक कुछ चीज़ों पे फोकस करा है, बट आई नो कि ऐसे कनेक्ट बनना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वी विल ट्राई आर बेस्ट कि हम दो नहीं तो एक ब्लॉग तो पक्का हर वीक आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। सो अभी जस्ट वर्कआउट करके बैठे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, एंड टेक सम स्टीम, और उसके बाद आपको हम डायरेक्टली मिलते हैं बाइक लेके नई एक्सेसरीज के साथ। दिखा देते हैं एक बार। सो गाइस, फाइनली स्टीम इज डन और अब आ चुके हैं बाहर। चलते हैं बाइक एक्सेसरीज के लिए और आपको मिलते हैं डायरेक्टली बाइक पे। बाय। सो गाइस, ये सारी मार्केट है बाइक्स की, एक्सेसरीज की, और ये शॉप हमने किसी YouTube चैनल पे देखा था, वहाँ पे पता किया था। सो अभी हम इसका PPF करवाएंगे। बाइक खड़ी है वहाँ पे, एक इंजन में प्रोटेक्टर देख सकते हो, वो भी लगाना है। मिरर का सोच रहे हैं, वो ऐसे मिरर लगाया जाए कि ना लगाया जाए हैंडल के पीछे। यहाँ पे चल रही है बात पैसों की और काम शुरू हो चुका है। तो गाइस, इसके बाद हम ये भी लगाने वाले हैं GPS ट्रैकर। अच्छा, तो भारी है टैंक भी, टैंक को पहले अच्छे से नहलाया जा रहा है और उसको अच्छे से साफ कर रहे हैं। टैंक की PPF ऑलमोस्ट डन है, अच्छा से डन है।
इसको निकाल देंगे और ये निकल गया। तो अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं गार्ड, वो कुछ ऐसा जैसा लगा हुआ है। ये सिर्फ आप डायरेक्टली इसमें फिट करोगे क्या? सो गाइज, ये फ्रेम पड़ा हमको 2800 का, जिसमें दोनों साइड डबल ये और ये, और ये इसका फ्रेम लगा है 150 का। और जो आगे लाइट्स देख रहे हो, ये लाइट्स भी हमको पड़ी हैं 1400 की। आई गेस मैं प्राइस मेंशन कर दूंगा अगर मैंने गलत लिखा होगा, सो देखा होगा। तो ये भी 150, मतलब टोटल 150 का था आगे का भी पीछे का भी। बाकी लेमिनेशन वाज 2800, जो कि PPF बोलते हैं, PPF आगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड, और एक आगे फ्रंट में यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा, सारा काम तो हमने बाइक का करवा लिया। और काफ़ी लोग जो बाइक की वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं, उनको एक क्वेश्चन बहुत आएगा कि PPF करवाई जाए कि सिरेमिक कोटिंग करवाई जाए। तो हमने PPF करवाई। रीज़न अगर आपके लिए बहुत ईजी है चूज़ करना, अगर आपको डर है स्क्रैचेस का कि लाइक कोई स्क्रैच ना कर जाए, आप कहीं लोकेलिटी में रहते हो कि कोई स्क्रैच लगा जाएगा, तो उसके लिए PPF बेटर है। तो इस PPF क्या होता है, PPF पेंट प्रोटेक्टिव फिल्म है, जो कि स्क्रैचेस वगैरह से बचाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सेरेमिक कोटिंग करवानी है, तो बेसिकली उस शाइन को, बाइक की शाइन को मेंटेन करने के लिए हम सेरेमिक कोटिंग करवाते हैं। तो वो बहुत अच्छे से ग्लॉसी लुक दे रही थी जब आपने देखा कि हमने उसको उतारा। तो हमने प्रेफर PPF ही किया, जितनी वीडियोज हमने जितना रिसर्च किया। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि PPF या सेरेमिक कोटिंग करवाना, दोनों ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी बाइक की अगर प्रॉपर वो जो क्लीनिंग स्टफ़ होता है, उसको अच्छे से बेसिकली आप उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, उसको अच्छे से वॉश कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, तो वो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा, अनलेस एंड अंटिल उस पर कोई स्क्रैच ना लगा जाए। तो उस चक्कर में उन्हें करवाई है।
यही एक डाउट होता काफी लोगों को कि क्या सिरेमिक कोटिंग करवाएं ना करवाएं या फिर पीपीएफ करवाएं कि ना करवाएं, या एंड इसकी कॉस्टिंग बहुत वेरी करती है अलग अलग जगह पे। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो उस लेमिनेशन जो पीपीएफ मटेरियल होता है। एक कुछ तो बेसिक लेमिनेशन पेपर आता है और कुछ 3M आता है, तो वेरी करेगा वो। कुछ जो जैसे 3M अच्छी क्वालिटी का है तो आप उसको 2 से 3 साल चला सकते हो, और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आपको मे बी 6 महीने बाद 1 साल के बाद चेंज करना पड़े। एंड मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा, कि खराब कुछ खराब हुआ, येलो तो नहीं हो गया लेमिनेशन या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो वील अपडेट यू। सो दैट्स इट गाइज, यही बताना था और आप व्लॉग को कंटिन्यू कर सकते हो। व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सारे? सो आज का दिन बहुत ही गंदे नोट पे शुरू हुआ है, बिकॉज लेट मी शो यू। सो आज जब मैं वापस आया नीचे तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साइकिल है, और हमारी एक साइकिल को ही उठा के ले गए यहाँ से। एंड हमने लॉक लगाया भी था फायरफॉक्स वाला, बट हमने ये चेन नहीं लगाई थी। सो गाइस, यहाँ पे हम दोनों की साइकिल खड़ी हुई थी एंड कोई उठा के ले गए। वहाँ पे एक कैमरा दिख रहा है मुझे जो कि जिसने शायद रिकॉर्ड किया होगा, और एक वहाँ पे भी है वो कैमरा भी है। तो गाइस यहाँ पे खड़ी हुई थी साइकिल, रात को 2 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई थी, और मैं यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे दोनों साइकिल थी उस टाइम पे, और यहाँ पे एक्चुअली कोई मेला चल रहा है एंड ये क्या हो रहा है साइकिल है ना, वो इसका तो टायर भी तो उसका टायर इसके डबल इतना मोटा टायर था भाई, मेरी साइकिल ले गया भाई। पहले वही बड़ा है मेरी साइकिल ले गई, ये नहीं है कि साइकिल ना कोई सेक्सी, ना बैंजो कलर सेक्सी, बैंजो मेरे ना ब्लू तो सेक्सी कलर होता था मेट कलर, तभी चोरी हुई है भाई। मेरा सेक्सी लगता है। चलो इज इट मूविंग और इट्स मूविंग मूविंग हां लिटिल लिटिल इट्स मूविंग। सो गाइस हुआ ये कि हमको जाते जाते वो मिल गए जिनके घर पे कैमरा लगा है। सो वी थॉट कि उनसे जाके बात की जाए कि ऐसा ऐसा चोरी हुई है, तो हमने कैमराज चेक किए एंड गेस व्हाट, तो हमारी जो साइकिल जो गेट खुला है वो 420 और 440 के बीच में खुला है, और उस 20 मिनट के अंदर अंदर लाइट ही नहीं थी। सो बेसिकली 420 के बाद डायरेक्ट 445 होते हैं कैमरा जो टाइमर ऊपर चल रहा होता है रिकॉर्डिंग में, और उसी के बीच में चोरी हुई है। एंड हमने ऑनलाइन FIR किया बट कोई पॉइंट नहीं है, मुझे पता है यहाँ आदमी नहीं मिलता साइकिल क्या मिलेगी। एनी हाउ सो जो साइकिल है मेरी वो मैंने यहीं पे अपने रूम में रख ली है, जो दूसरी साइकिल है अंचित की तो चली गई, एटलीस्ट मेरी बची रहे। एंड हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि दोनों की साइकिल लेके जाएं घूमने के लिए, और हमारा प्लान बन नहीं पा रहा था, और इतनी ज़्यादा यादें जुड़ी थी हमारी साइकिल के साथ। जो हमको स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उन्होंने हमारा नंदी हिल्स वाला ब्लॉग देखा होगा, हम साइकिल से नंदी हिल्स गए थे, बट क्या कर सकते हैं, जो होने होने को कौन डाल सकता है। सो दैट्स इट गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट ब्लॉग जो होने वाला है वो मैराथन जो हम अभी रिसेंटली जाके आए हैं, जो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, हम अभी रिसेंटली एक TCS की तरफ से मैराथन हुई थी, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कैसे हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, वो हम आपको सब कुछ शेयर करेंगे। एंड नेक्स्ट ब्लॉग 2 या 3 दिन में आ जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड, और प्रोबेबली हम वीकेंड्स में निकाल देंगे, सैटरडे संडे और मंडे को मैक्स टू मैक्स। सो उसको देखना मत भूलना, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड धीरे धीरे वील बी शेयरिंग आर रूटीन, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग रूटीन हुआ पड़ा है हमारा, बिकॉज इट्स ऑल वर्क राइट नाउ। तो बस लेके शाम तक क्या स्केड्यूल रह रहा है हमारा, क्या हम खा रहे हैं और क्या हम वर्कआउट कर रहे हैं, सो वील बी शेयरिंग एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, एंड दैट्स इट, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड पैसे कमाओ उड़ाओ।